अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम करेंगे पेज नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 हमने कल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने बुक पे अटैम्प्ट करना है। देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वर्क आउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए पिक्चर्स की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प पे हमने इसको सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व कैसे करना है आपको बताती हूँ। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमारे पास 1, ठीक है। ऐसे होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास वर्ड लिखा हुआ ना, उसके नीचे कुछ भी नहीं मेंशन, ऊपर तो हमेशा हमारे पास जो हो मेंशन किया जाता है, और हमारे पास सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा हो तो उसके नीचे एज वन मेंशन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है और अपॉन में कटिंग होती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 1 5 5 1 5 एंड 2 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। कितने हमारे पास 5 है ना, तो 5 बॉक्सेस उन्होंने बनाए, ठीक है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वर्ड होता है उतने टोटल उसके अंदर ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और न्यूमिनेटर में जो हमारे पास है उतने में कलर किया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास 5 गिवन है, इतने हमने बॉक्सेस बनाए, 2 हमने उसके अंदर ब्लॉक्स बनाए, और जितना हमारे पास न्यूमिनेटर में मेंशन है उतने हमें हमने कलर्स करना है, ठीक है। आगे है 4 1 4 1 4 एंड 4 1 4, ठीक है। ये देखें अब नेक्स्ट है 3 1 3, अब इसके नीचे भी 1 है 3 के, 5 1 5, 3/5, 4 1 4, 3 1 3, 4/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बुक पे ही आपने ऐसे करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो है हमारे पास सॉल्व दी फॉलोइंग, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही है से करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8, 3/4 के नीचे क्या है हमारे पास 1, 3 1 3, 8/3 हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई 2/5, 7 2 14, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5 एंड 6 1 6, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। इसी तरह के इसके और भी पार्ट्स हैं, इजी से हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने हैं सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, इनको सॉल्व करना है मीन्स पहले मल्टीप्लाई करना है, उनको रिड्यूस मतलब ख़त्म करना या कम करना टू द लोएस्ट फॉर्म, जितना हो सके हमसे हमने उतना इसको करना है, ठीक है, रिड्यूस कर देना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 के नीचे अब देखिए 1 है, ठीक है, कटिंग करेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 12/3, इस तरह लिख के भी कटिंग हो सकती है, 3 1 3, 3 4 12, 4 आंसर आ गया हमारे पास। और इस तरह भी कर सकते हैं 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, हमारे पास आ गया, और 2 2 4, ये दो हमारे पास पैटर्न है करने से। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9, 3 3 3 के टेबल से कटिंग होगी, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। तो सामने तो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है सामने 1 है, 4 1 4, 3 1 3, 4/3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको भी वैसे ही हमने करना है, काटना है 2 1 2, 2 2 4, और सामने मल्टीप्लाई कर दे 2 1 2, ठीक है। ये सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं। अब सी वाला देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2, 2 1 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास नहीं कटिंग हो रही, 1 और 2 क्या कटिंग होगी, अगर ऊपर नीचे होता तो कटिंग हो जाती, अब आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 1 1, 2 2 4, 1/4, इसी तरह इस साइड के भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन 4 और 7 हमने बुक पे किया है,
फाइव सिक्स और एट हम कॉपी पे अटेम्प्ट करेंगे. फाइव और सिक्स कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर एट की बारी. क्वेश्चन नंबर एट, ड्रा पेयर द डायग्राम टू शो देयर फैक्टर्स. ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनानी इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाएगा. ड्रा पेयर ऑफ डायग्राम, छोड़ दें इसको. ठीक है, शो दे फ्रैक्शन. अब